पुडुचेरी विधानसभा के अंदर जो हमारे सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, हम लोग की यही मांग है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार एसपीजी सिक्योरिटी जो हमारे नेताओं की वापस करें और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिक्योरिटी, क्योंकि हमेशा से आतंकवादी के अलर्ट पे हमारे गांधी परिवार रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है अमित शाह जी से कि उनकी जो सिक्योरिटी है वापस ले, अगर वो नहीं लेते तो इस तरह से यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के परिवार रोड पे उतरते रहेंगे, हमारा धरना चालू रहेगा। तो कार्यकर्ताओं की भी यही चाह है कि क्या कांग्रेस शिवसेना के साथ आके यहाँ पे सरकार बनाए? कांग्रेस को शिवसेना के साथ आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को बैकफुट पे लाना है तो शिवसेना बीजेपी एनसीपी को महाराष्ट्र में लाना पड़ेगा। किस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे, जिस तरह सतारा के अंदर किस तरह से फसल बर्बाद हुई है, जो बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में किसान आत्महत्या कर लिया, बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ गई, मुंबई शहर जो आर्थिक राजधानी देश की, आज मुंबई की हाल देखो क्या हो रहा है, सबका धंधा सबका वो ठप हो गया है, लोग यहाँ से बिजनेसमैन लोग भाग रहे मुंबई छोड़ के। तो यही सब मंशा है बीजेपी की। कांग्रेस हमेशा से विकास का काम करी है, शिवसेना बीजेपी एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र के अंदर कुछ अच्छा विकास करेगी, इस उम्मीद के साथ नई सरकार बनना चाहिए।